किताब का प्रमोशन करने पहुंची स्मृति ईरानी तो कपिल शर्मा शो की गेट से हुई वापस, वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द कपिल शर्मा शो में बतौर गेस्ट नजर आने वाली थी, लेकिन सेट पर गार्ड ने उन्हें पहचाना नहीं और उन्हें अंदर एंट्री नहीं दी, जिससे नाराज होकर वो सेट से वापस लौट गई। स्मृति बिना शूटिंग के लौट आई है। स्मृति ईरानी अपनी किताब लाल सलाम के प्रमोशन के लिए कपिल के शो में आने वाली थी, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मृति अपने ड्राइवर और दो लोगों के साथ कार से स्टूडियो के गेट पर पहुंची तो गार्ड ने उन्हें नहीं पहचाना। जब स्मृति ने उसे बताया कि वो कपिल के शो में बतौर स्पेशल गेस्ट शामिल होने वाली है, तो भी गार्ड ने ये बोलकर मना कर दिया कि उसे कोई मैसेज नहीं मिला है। गेटकीपर के इस बर्ताव से नाराज होकर केंद्रीय मंत्री वहां से वापस लौट गई। जब ये खबर शो के मेकर्स को पता चली तब सेट पर हड़कंप मच गया और शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। सोशल मीडिया पर भी स्मृति ईरानी के साथ हुए बर्ताव पर प्रतिक्रिया देते लोग दिखाई दे रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, वो तो बेचारी बस ये पूछने गई थी कि राहुल गांधी यहाँ आए थे क्या। एक और यूजर ने लिखा, ये चौकीदार हर जगह टांग अड़ाता है। तो वहीं एक और यूजर लिखते हैं, ईरानी का ये अपमान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। कॉमन मैन नाम के एक यूजर ने लिखा, अभी तो गार्ड ने भगा दिया, 2024 में जनता भगा देगी। तो वहीं दिनेश नाम के यूजर ने लिखा, क्या करेगा बेचारा, शक्ल भूल गया होगा, कितने दिनों से गायब जो है, शायद गैस सिलेंडर लेकर आती तो पहचान जाता। फिलहाल इस घटना के बाद स्मृति शो में हिस्सा लेंगी या नहीं, इसकी कोई खबर नहीं है। कपिल शर्मा की तरफ से भी इस घटना पर कोई कमेंट नहीं आया है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर वायरल न्यूज आप तक पहुँचती रहे।